नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नेट टेक्निकल हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर विंडोज 10 में सेटिंग नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के रन सर्च में जाके लिखना है कमांड। कमांड लिखने के बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटर में से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, इसमें जो मैं टाइप कर रहा हूँ आपको अपने कंप्यूटर में टाइप कर लेना है। टाइप हो जाने के बाद इंटर बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका कंप्यूटर स्कैन होने लगेगा। इसमें कुछ समय लगेगा, जितना कंप्यूटर आपका फास्ट रहेगा उतना जल्दी हो जाएगा। इसके होने के बाद आपको दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा, जिससे आपका कंप्यूटर विंडोज 10 का सेटिंग ओपन होने लगेगा। इसके लिए पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड मैं इस के बाद बताने वाला हूं। दोस्तों, यह हमारा पहला तरीका कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा तरीका करने वाले हैं। दोनों तरीका करने के बाद ही आपके कंप्यूटर विंडोज 10 की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अगर आप दोनों तरीका कर देते हैं तो आपके कंप्यूटर विंडोज 10 की सारी सेटिंग खुल जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं जो टाइप कर रहा हूँ यह दूसरा तरीका है, जिसको आपको दोनों अपने कंप्यूटर में करना है।
दोस्तों हमारा पहला और दूसरा मेथड दोनों कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है। मैंने रिस्टार्ट कर दिया। रिस्टार्ट करने के बाद का आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए रिस्टार्ट करने के बाद फिर मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। अब मैं सेटिंग खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा सारा सेटिंग खुल गया। अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इसे सही कर सकते हैं। देखिए मेरा सारा सेटिंग अब खुलने लगा। पहले मेरा सेटिंग नहीं खुल रहा था, जो अब मैं कोई भी सेटिंग खोल ले रहा हूँ। प्रॉपर्टीज जो भी कुछ भी हुआ जनरल, सारा प्रॉपर्टीज खुलने लगा। आप खोल के सेटिंग कुछ भी कर सकते हैं। यह प्रॉब्लम आता है तो आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।